क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड फाइल ओपन फोल्डर, एक नया फोल्डर दे देते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या, फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स CSS करें, HTML index.html, और यहाँ पे अपन इसको कोड कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, बूटस्ट्रैप। इसको कॉपी कर लेते हैं CSS। जावास्क्रिप्ट कहाँ है हमारी, ये रही, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर एक तो फ्लेक्स बॉक्स। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स देख लेते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स यानी मैंने क्या करा, एक डिप क्लास लिया कंटेनर फ्लूड, इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर लेते हैं एक रो, फुल स्टॉप रो। इसके अंदर ले लेते हैं हम एक कॉलम LG 12, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे इसका नाम दे दिया अलर्ट। एक अलर्ट भी क्लास है, अलर्ट भी एक क्लास है, alert-danger दे देते इसका नाम। और यहाँ पे हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे S3 कंटेंट डाल दिया और इसमें लिख दिया ठीक है। और एक बटन बना लेते हैं, बटन की क्लास लगा लेते हैं btn btn-primary या डार्क। और यहाँ पे अप्लाई सबमिट लिख देते हैं। अब रन करके देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये इसके सामने चाहिए मुझे। तो देखो आपको क्या करना है, इसके इसके जो पेरेंट है, ये पेरेंट है, यहाँ लिख दो कि डी फ्लैक्स। तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ लिखेंगे इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये इस तरीके से सामने आ गया। अगर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन ना लिख के क्या लिखे, सेंटर, सेंटर लिखा तो क्या हो गया, सेंटर में आ जाएगा कंटेंट। बिटवीन से क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड लिखे, तो इधर और इधर से स्पेसिंग दोनों में इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया इसे फ्लैक्स कैसे यूज करते हैं, डी फ्लैक्स ये लिखना जरूरी है। अगर ये लिखोगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा वापस, ठीक है। तो डी फ्लैक्स एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो डिस्प्ले फ्लैश करने का काम करती है। देखो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में आपको, तो कौन कौन सी क्लास है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये क्लास है, ठीक है।
अच्छा तो पहले हाइड करना पड़ेगा फिर। अगर हाइड कर दोगे तो जॉब नहीं होगी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि यूजर ना यहाँ पे एक बटन हो, जब यूजर इस पे क्लिक करे तो नीचे कंटेंट ओपन होकर आ जाए, और जब क्लिक करे तो कंटेंट बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रो ले लेंगे। ए अचानक कितना जा रहा अभी? अभी रुक जा, अभी एग्जाम आएगा, आने वाला है, बस आने वाला 5-10 मिनट। ठीक नीचे ऊपर ठीक है एस है, एसजी का है। प्लस रो ठीक है, और डॉट कॉल LG12, कॉलम LG12, और अलर्ट अलर्ट हाइफन डेंजर ठीक है, और पी पैराग्राफ, और यहाँ कंटेंट डाल देते हैं, ये आ रहा है ठीक है। और इसको हमने क्या करा, यहाँ पे M0 और P0 ठीक है, इसका नाम भी मैं यहाँ पे इसका नाम भी, इसमें भी मैंने क्या करा, यहाँ पे अलर्ट बी, यहाँ पे देते BG डेंजर। तो अभी मेरा डिजाइन जो है कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, अलर्ट ही लगा देता हूँ, अलर्ट अलर्ट हाइफन डेंजर, ये ऐसा आ रहा है देखो हमारे पास ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्लस का आइकन दे देता हूँ, तो यहाँ प्लस या माइनस का आइकन दे देते, तो मैं यहाँ पे माइनस का आइकन दे रहा हूँ, ये आ गया ठीक है। इस पे क्लिक करने पे क्या हो जाए, ये बंद हो जाए, इस पे क्लिक करने पे क्या हो जाए, ये चालू हो जाए ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ इसे बोलते हैं हम अक्रॉडियन, क्या बोलते हैं अक्रॉडियन। तो मैंने आपको एक तो फ्लेक्स बता दिया फ्लेक्स कैसे यूज करना है, अब अक्रॉडियन देखते हैं अक्रॉडियन किस तरीके से काम करेगा। तो अक्रॉडियन के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाली रो है इसके अंदर लिख देंगे कोलैप्स, तो कोलैप्स ही बंद हो जाएगा। हाय हाँ जी बताइए। हाँ वो मैं आपको ना थोड़ा सा कलेक्ट कर रहा हूँ, बच मेरे पास स्टूडेंट से आते हैं तो मैं आपको और शेयर कर दूँगा ठीक है। ओके अब मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक करने पे क्या हो जाए, ये ओपन हो जाए। तो हमने क्या करा, कोलैप्स लगा दिया, हमने ना यहाँ पे इसकी आईडी दे दी डाटा ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करवाना है, बटन, और यहाँ पे डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू, और इसका नाम दे देंगे कोलैप्स, डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू, और इसका नाम दे देंगे #data। अब जरा चेक करते हैं, क्लिक करा ये आ गया, क्लिक करा बंद हो गया, आ गया समझ में। तो ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हमारा इसे बोलते हैं अक्रोडियन, FAQ के सेक्शन के लिए। FAQ सर्च करते हैं, FAQ डिजाइन CSS। हाँ आ जाइए, हाँ बैठिए, हाँ 5 मिनट बैठिए, यहाँ पे अभी आ रहे हैं। मेरा गाड़ी में उस साइड पार्क किया। हाँ कोई इशू नहीं है, वैसे इस टाइम इशू नहीं होता, कोई 6 बजे के बाद कोई इशू नहीं होता। हाँ आ हेलो, जाओ, जाओ हम्म। समझ में आया FAQ। तो लाइक मैंने क्या करा, इसको
ये एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास। इस रो को मैंने क्या करा, बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी रो ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अब हमारे पास दोनों एक साथ खुल रहे हैं, पर हमें क्या चीज चाहिए, हमें एक एक पहले खुलना चाहिए, भी दूसरे वाले पे दूसरा खुलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसकी आईडी अलग दे देंगे। तो इसका नाम डाटा टू कर दिया, और यहाँ पे इसका जो आइकन है इस पे भी क्या कर दिया, डाटा टू कर दिया। चेक करते हैं, देखो इस पे ये खुल रहा है, इस पे ये खुल रहा है, आया समझ में? तो FAQ का सेक्शन आपका इस तरीके से बनेगा। ऐसे हम FAQ का सेक्शन बना सकते हैं। ये देखो, अब सेकंड में चाहता हूँ क्या, एक पहले से खुला रहे। ठीक है, तो आप जो आपको ओपन करवाना है, कौन सा वाला ओपन करवाना है, जैसे मुझे ये वाला, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कहाँ पे हमारा कोलैप्स है, और आवाज कट हो रही है। हाँ, ऐसे यहाँ पे क्या नाम है, हमारे पास क्या आ गया, डी फ्लैक्स यहाँ पे हमने सेट कर दिया। यहाँ पे हमने बटन लगा दिया था, ठीक है, और बस क्लिक करने पे क्या करा, इस तरीके से ओपन हो रहा है, क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये सेक्शन हो गया। अब सेकंड मुझे पहला ओपन करवाना है, ठीक है, पहला जिस जो सेक्शन आपको ओपन कराना है, तो आप क्या करोगे, उसमें से कोलैप्स को हटा दोगे। क्या करोगे, कोलैप्स का हटा दोगे इस तरीके से। और कोलैप्स मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा, पहले वाला डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा इस तरीके से ओपन होके आ रहा है। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये ओपन होके आ रहा है। जब आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, पर शुरू में क्या होगा, ओपन होके आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट कर लो, बीजी डेंजर जो भी रखना है आपने उस तरीके से सेट कर सकते। तो इससे आज आपने क्या करना है, FAQ डिजाइन करना है। ठीक है, FAQ इस तरीके का डिजाइन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके का ये FAQ डिजाइन करना है। लाइक आपने यहाँ पे वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, जावा, हम ना ये माइनस प्लस करके ना वो भी लगा सकते हैं, आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आप पे FAQ डिजाइन करना है। और मैंने आपको क्या बताया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये देखो सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इस तरीके से, तो जो उनसे कलर रखने आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये डिजाइन करना आज आपने FAQ सेक्शन। ठीक है, और फ्लैक्स बॉक्स तो मैंने आपको समझा ही दिया, फ्लैक्स बॉक्स किस तरीके से काम करता है। अच्छा देखो, इसकी सारी क्लासेस कहाँ मिलेगी, बूटस्ट्रैप चीट शीट सर्च करना, हैकर थीम, इस पे जाना, सेकंड वाले पे, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी क्लासेस है इसकी, जो जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, वो क्लासेस सारी ये रही। तो देखो स्टार्टिंग से आप तुम स्टार्ट कर दो, अलर्ट, सेकेंडरी, ये पेजेस क्लासेस है, ये बटन की सारी क्लासेस है, बटन ग्रुप हो गए, बटन मॉडिफायर हो गए, कार्ड हो गए, भी मैंने कार्ड नहीं कराया। ठीक है, कैरोजल करा दिया, कोलैप्स है, तो ये सब क्लासेस है देखो बनी बनाई। ठीक है, तो ये चीज करनी है आपको। ठीक है, तो ये ले लो, अब डिजाइन करो इसको, एक FAQ का अच्छा सा सेक्शन बनाओ। ठीक है।
करो उसको बैठ के।